अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स कुक विद पैशन। आज मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी मटर के पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आजकल बहुत अच्छे फ्रेश मटर आ रहे हैं। वैसे तो आप इनको फ्रोज़न से भी बना सकते हैं, लेकिन फ्रेश मटर की बात ही अलग है। और ये रेसिपी बहुत ही ईजी है, आप इससे आसानी से घर पर बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी मटर के पराठे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मटर के पराठे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ आटा गूंद लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ 2 कप गेहूँ का आटा लिया है और इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। ये पराठे को क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। तो तेल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक टाइट आटा गूंदेंगे। आटा ना बहुत ही टाइट होगा ना सॉफ्ट होगा। जिस तरह पराठे का आटा बनाते हैं उस तरह हम थोड़ा सा टाइट आटा गूंदेंगे। फिर इस पर हल्का सा तेल लगाकर इसको 20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे साइड में, जिसमें इसमें थोड़ा लोच आ जाए आटे में। अब मैंने यहाँ 2 कप फ्रेश मटर लिए हैं, इनको अच्छे से धोकर स्ट्रेन कर लिया है। मैंने इन मटर को चॉपर में चॉप कर लिया है। अगर चॉपर ना हो तो आप मिक्सी के जार में इसको ऐसे दरदरा पीस लें, बिल्कुल बारीक मत करिएगा। अब मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल को गर्म कर लिया है मीडियम हीट पर। अब इसमें मैंने 1/4 टीस्पून हींग डाल दी है। हींग के साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून सौंफ भी डाल देंगे। अब इन मसालों को हमें गोल्डन होने तक इसमें भूनना है चलाते हुए, और आंच को बहुत तेज़ मत करिएगा वरना ये जल जाएंगे। तो जब ये अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे तब हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर मैंने उसको छील कर ग्रेट कर लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। और 3 कटी हुई हरी मिर्च बारीक, वो भी डाल देंगे। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या स्किप कर दें। अब जब तक ये अदरक का कच्चापन दूर ना हो जाए तब तक इसको भूनेंगे। जब अदरक हमारी अच्छे से पक जाएगी तब हम इसमें 3 टेबलस्पून बेसन ऐड कर देंगे। बेसन को डालकर इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हमें अच्छे से बेसन को भूनना है जब तक इसकी कच्चापन दूर ना हो जाए और अच्छी भुनने की स्मेल ना आ जाए। बेसन डालने से इसमें पराठों में फिलिंग में अच्छी बाइंडिंग आ जाती है, इसलिए आप बेसन ज़रूर डालें, इससे पराठे फटते नहीं हैं। तो बेसन को देखिए मैंने अच्छे से भून लिया है। जब बेसन भुन गया तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून पिसी धनिए का पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, साथ ही 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है। और इनको भी 30 सेकेंड के लिए भून लेंगे। ये देखिए अब मसाले हमारे भून गए हैं। तो हम इसमें क्रश किए हुए जो मटर हमने रखे हैं उनको डाल देंगे। ये देखिए मैंने मटर को दरदरा ही पीसा है, बिल्कुल बारीक नहीं किया है, उससे अच्छा टेस्ट नहीं आता है। इस तरह के मटर का पराठे में अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च डालें। 2 टीस्पून इसमें मैंने पिसी खटाई या अमचूर डाला है पाउडर उसका, और 1 टीस्पून भुना जीरे का पाउडर इसमें डाल दिया है। साथ ही 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करके 1-2 मिनट तक इसको चलाते हुए पकाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और एक बार मेरी तरह से फिलिंग बनाकर आप पराठे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, यह आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो अब हमारी फिलिंग पक गई है तो हम इसमें लास्ट में हरी धनिया डाल देंगे कटी हुई, और इसको मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमें इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसको साइड में रख देंगे जब तक ये पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तब हम अपने पराठे बेलना शुरू करेंगे।
अब देखिए हमारा आटा भी बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हल्का सा गूंद लेंगे। ये देखिए हमने थोड़ा टाइट आटा लगाया था, लेकिन ये अब अच्छा हो गया है, ना ही ज़्यादा टाइट है ना सॉफ्ट है। तो अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। इस तरह से लोई बनाने के बाद हम इसमें हल्का सा आटा लगाकर इसको एक डिस्क शेप में बना लेंगे। इस तरह से अंगूठे से दबाते हुए गोल घुमाकर ऐसा डिस्क बना लेंगे। फिर बीच में हम थोड़ा इसको ऐसे कटोरी की तरह दबाकर फिलिंग भरने के लिए जगह बना लेंगे। अब हम इसमें अपनी स्टफिंग भर देंगे। अब इसमें लगभग 2 टेबल स्पून स्टफिंग भर देंगे अच्छे से पूरा, जिसमें भरा हुआ पराठा बने हमारा। और इसको थोड़ा हाथ से प्रेस कर देंगे इस तरह से। अब हम इसकी साइड्स को फोल्ड करते हुए इस तरह से पूरा जोड़ देंगे और पूरे पराठे को ऐसे सील कर देंगे। दबाते हुए ऐसे अंगूठे से चारों तरफ से घुमाते हुए ऐसे सील कर देंगे। अगर आपको इस तरह से भर के बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप 2 रोटियां बेल लें सेम साइज़ की और बीच में स्टफिंग को फैलाकर उस तरह से बना सकते हैं। उस तरह का पराठा मैंने गोभी का पराठे की रेसिपी में दिखाया है। अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं उस रेसिपी में। तो अब हम इसमें हल्का सा आटा लगाकर और इसको हल्का सा हाथों से प्रेस करके फिर इसको बेल लेंगे। और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे, बहुत टाइट हाथ नहीं चलाएंगे इस पर, वरना ये पराठा फट भी सकता है। अब देखिए हमारा पराठा बिल के तैयार है। ये देखिए इसकी थिकनेस, बहुत पतला नहीं करेंगे। अब मैंने तवे को हाई हीट पर गर्म होने के लिए रख दिया था, तो हम अपना पराठा इसी पर डाल देंगे सिकने के लिए। आप मेरी तरह से एक बार पराठे ज़रूर बनाकर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। अब ये देखिए एक तरफ से सिक गया है, तो हम इस पर घी लगा देंगे। आप चाहें तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप तेल यूज़ करना चाहते हैं या घी। तो जब एक साइड हो जाएगा तो हम दूसरी साइड भी इस पर घी अप्लाई कर देंगे। और अब हम इसको दबाते हुए अच्छे से सेक लेंगे दोनों साइड से। जब तक इस पर गोल्डन डॉट्स ना बन जाएं इस तरह से, तब तक हम इसको ऐसे प्रेस करते हुए पका लेंगे दोनों साइड से। अब हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से हम बाकी सारे पराठे भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्प पराठा बनकर तैयार हुआ है और स्टफिंग भी इसमें अच्छे से भरी हुई है पूरे कोने तक। ये देखिए टेस्ट में भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।